हाँ जूम लाइव शुरू आप चाहते वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। हम जैसे संस्कृत के बहुत कुछ वाक्य को सीखे हैं। वाक्य में मुख्यता से दो प्रकार है, कर्तरी वाक्य रचना, कर्मणि वाक्य रचना। उसमें भी कर्ता, कर्म, क्रियापद क्या क्या होता है वो भी हमने देख लिया। अब अभ्यास के स्तर पर बहुत लोगों ने भेजा है, तो उसमें भविष्यत काल के भी प्रयोग हमने सीखे, कर्मणि वाक्य रचना में भूतकाल के भी सीखे, वर्तमान काल के भी सीखे। उसका अभ्यास बहुत आवश्यक रहेगा। इसके लिए उसका पूर्व में विभक्ति के सहित, कर्ता, कर्म, क्रियापद के सहित उसका अभ्यास हो, तो हम आगे जाकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो पहले हमने देखा कि कर्ता प्रथमा विभक्ति में, सबसे पहले कर्तरी वाक्य रचना में, कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीय विभक्ति में, एक होता है क्रियापद, वो क्रियापद कर्ता के अनुसार चलेगा, इसलिए उसको कर्तरी वाक्य रचना कहते हैं। ये हमने पूरा देख लिया था वहां पर, राम ग्राम गच्छति, ये हमने पूरा देख लिया। अब उसका कर्मणि वाक्य रचना में प्रयोग करना है, तो कर्ता को ले जाएंगे तृतीय विभक्ति में, कर्म आ जाएगा प्रथमा विभक्ति में, और क्रियापद ते वाला स्वरूप क्रियापद का, आत्मनेपद का वो चलेगा, गम्यते गम्यते गम्यन्ते इस तरह का। तो रामेण ग्राम गम्यते ये किस तरह से हुआ वो भी आपको पता चल गया था, बहुत लोगों ने उसके ऊपर वाक्य बना दिए हैं। तो थोड़े हम प्रयत्न करेंगे तो हम इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो ये हम अभ्यास अविरत शुरू रखें, जैसे जैसे आप लोग मुझे वाक्य बना कर देते हैं उस तरह से बना कर दीजिए। एक बात सब खास याद रखिए, कोई ना कोई अव्ययी का, कालवाचक, देशवाचक शब्द का अवश्य प्रयोग करें, जैसे कि आपको उसका अभ्यास रहे। जैसे हम कहते हैं कि अहम ग्रामम गच्छामि, उतना कहकर अहम श्वः ग्रामम गच्छामि, अहम अद्य ग्रामम गच्छामि, अहम परश्वः ग्रामं गमिष्यामि, अहम श्वः ग्रामं गमिष्यामि, अहम श्वः ग्रामं गच्छामि, समझ गए ना? कालवाचक उपयोग किया मैंने, श्वः, परश्व, अद्य, अधुना, मतलब अभी। उसी तरह से देशवाचक का प्रयोग करें, देशवाचक शब्द का रखकर, जैसे अहम अत्र उपविशामि, अहम अत्र पाठयामि, अहम तत्र पाठयामि, अहम राजकोट नगरे पाठयामि, अहम बेंगलुरु नगरे प्रवासम, अहम बेंगलुरु नगरे विद्यापीठे तिष्ठामि, अहम राजकोट नगरे वसामि, अहम तत्र वसामि, अहम अत्र वसामि, उस तरह के देशवाचक, अत्र, तत्र, इस तरह के भी प्रयोग देशवाचक शब्द को लेकर कर सकते हैं। उसी तरह से अव्ययी को, अलग अलग अव्ययी को लेकर प्रयोग करें, पुरतः सामने, पृष्ठतः पीछे, परितः चारों ओर, अस्माकं परितः वातावरणम अस्ति, तो परितः वातावरणम, अस्माकं परितः वायु अस्ति, सभी देशों हमारे चारों ओर वायु है। सह मम पुरतः अस्ति, मेरे पास सामने ही है वो। सह मम पार्श्वे अस्ति, पार्श्वे उपविष्टः, पार्श्वे नजदीक में, नजदीक बाजू में, उसको कहते पार्श्वे। पृष्ठे पीछे, अग्रे आगे, आप समझ गए ना? आगे पीछे, ऊपर, ऊंचे ही, ऊपरी, नीचे ही, ऊपरी। सह ऊपरी अस्ति, वो ऊपर है, सह नीचे ही अस्ति, वो नीचे है। सह तत्र अस्ति, वो वहां है। तो उस तरह से आप बहुत सारे वाक्य ऐसे भी बना सकते हैं ताकि हमारा अभ्यास रहे कालवाचक नाम का, अद्य श्व परश्व। फिर वादन को लेकर भी अभ्यास करें कि एक वादनम, द्विवादनम, उसको कैसे बोलेंगे, उसका घटिका का हम वर्ग लेंगे, तो आपको समय सारणी कैसे बोलनी है वो बताए, किस तरह से समय, उस तरह से तिथि का भी अभ्यास करें कि प्रतिपदा माने क्या होता है, तो एकम होती है, मतलब एक तिथि जो, तो उसको प्रतिपदा कहते हैं।
द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा। तो श्वः पूर्णिमा अस्ति, बराबर है। अद्य चतुर्दशी अस्ति। इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य को वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा अद्य त्रयोदशी अस्ति, बराबर। इस तरह से आप वाक्य के बहुत सारे वाक्य के प्रयोग कर सकते हैं तिथि को लेकर। तो सामान्य सामान्य बातें हैं, उसका भी आप शब्द प्रयोग करिए ताकि वो आसान रहेगा समझना कि किस तरह से वाक्य में उसके प्रयोग किए जा सकते हैं, किए जाते हैं। प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, इस तरह से कैसे उसको प्रयोग में ला सकते हैं, कैसे वो उसको कर सकते हैं प्रयोगम। तो उस तरह से आप भी उसकी तैयारी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वाक्य में इसका प्रयोग करिए ताकि वो बोलना आसान हो जाए हमको, और कोई बोले संस्कृत में तो हमको आसानी से समझ में आ जाए कि किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं, किस कहाँ पर ये प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आसान है। बहुत सारे अव्यय भी हो गए हैं हमारे, बहुत सारे वाक्य रचना के प्रयोग भी हो गए हैं। तो एक खास याद रखिए, एक बार कर्ता कर्म क्रियापद को देखना है। जब भी हम प्रयोग करते हैं तब तब हमको ये सब कुछ देखना है। और पीछे वाली पीपीटी में हमने सारा बहुत सारे कुछ वाक्यों में बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ बाकी हो। अब सीधे के सीधे हम अनुवाद कर सकते हैं, और सारा है वो हम आगे पीपीटी में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से हम आगे के वाक्य को बनाएंगे, आगे के वाक्य बना सकते हैं अलग अलग काल में, विधिली काल में कैसे बना सकते हैं और आज्ञार्थक कैसे बना सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। लेकिन सभी में सबसे पहले हम काल की स्पष्टता कर दें। वर्तमान काल में क्या होता है, गच्छामी गच्छामी गच्छावा गच्छामा, वो मैंने बताया था, गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छसि गच्छत गच्छत, इस तरह से वर्तमान काल के प्रयोग बताए थे। उसी तरह से कर्मणि वाक्य रचना में गम्यते गम्यते गम्यन्ते के प्रयोग भी बताए थे। उसी तरह से और भी बहुत सारे प्रयोग मैंने बताए थे, वो आप एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे कि किस तरह से उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, वाक्यों में किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। और एक बार संस्कृत का अभ्यास हो गया उसके बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये श्लोक का क्या अर्थ है, ये वाक्य का क्या अर्थ है। तो आसानी रहेगी समझने में, बिल्कुल आसानी रहेगी कि इस तरह से। फिर हम एक संधि का लेंगे, तो उसमें संधि कहाँ कहाँ होती है, तो जल्दी वो संधि का विषय हम शुरू कर देंगे कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से उसकी संधि होती है, संधि में क्या क्या किस तरह से दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, इस तरह से मिलन हो जाता है, मिल जाते हैं। तो वो संधि का भी हम विषय लेने वाले हैं। तो अभी तो मैंने जो बताया है कि उस तरह से वाक्य रचना में वाक्य बनाकर आप अभ्यास करिए, वाक्य बनाकर दीजिए। तो बालकेन पिता प्रश्नम पृच्छते, बालकेन, अब बालकेन बालक के द्वारा पिता को प्रश्न पूछा जाता है। बालकेन पिता प्रश्न, अब देखिए ये द्विकर्मक है, ये बहुत अच्छा अनायास से आपने वाक्य बना दिया। कोई वाक्य ऐसा होता है जिसमें दो कर्म होते हैं, कोई वाक्य ऐसा होता है जिसमें दो कर्ता होते हैं। किस तरह से समझिए, राम लक्ष्मण च गच्छतः, राम और लक्ष्मण दोनों जाते हैं, कितने कर्ता हुए, दो कर्ता हुए, तो राम और लक्ष्मण। तो हमने दो की बात बताई, राम और लक्ष्मण दोनों कर्ता हुए, दोनों जाने के क्रिया के कर्ता दोनों हुए, समझ गए। ये हो गया जिसमें दो कर्ता हो और वो दोनों अलग अलग, हमने कहा राम लक्ष्मण, बराबर है। अब उसको राम और लक्ष्मण दोनों जाते ऐसा कहा हमने। अब उसी तरह से दो कर्म होते हैं जिस वाक्य में, जैसे उपाध्याय बालकम ग्रंथम पाठयति, उपाध्याय अर्थात शिक्षक, तो शिक्षक बालकम बालक को ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, तो किसको पढ़ा रहे हैं, पालक को, और क्या पढ़ा रहे हैं, ग्रंथ को पढ़ा रहे हैं। तो बालक को ग्रंथ को
मतलब बालक को ग्रंथ पढ़ा रहे हैं तो दो कर्म हो गए, बालक को पढ़ा रहे हैं तो ऐसा भी बोल सकते हैं, एक कर्म को छोड़कर भी बोल सकते हैं कि भाई शिक्षक बालक को पढ़ा रहे हैं, क्या है वो नहीं बोला, और दूसरा भी कि भी शिक्षक ग्रंथ पढ़ा रहे हैं किसको वो नहीं बताया। दोनों वाक्य बन सकते हैं अलग अलग रूप से दोनों में, और दोनों एक साथ में अगर हम एक वाक्य में भी बता सकते हैं कि शिक्षक बालकम ग्रंथम पाठयति, शिक्षक बालकम ग्रंथम पाठयति, वो द्विकर्मक कहते हैं। जो कोई कोई ऐसी क्रियापदी होती है जिसमें दो कर्म हो सकते हैं, जैसे मैं जाता हूं तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि ग्राम को जाता, उसमें दो कर्म नहीं हो सकते हैं। मैं खाता हूं तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि भाई अहम भोजनम करोमि, समझ गया आप, तो अहम भोजनम करोमि ऐसा मैंने बताया, तो वो हो गया कि हाँ मैं भोजन करता हूं, तो ये एक हो गया। अब बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं जिसमें ये एक कर्म की जगह पर दो कर्म आ जाएंगे, तो तब ये वाक्य के प्रयोग होंगे। तो मैंने बताया उस तरह से पाठ पठ धातु का ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, बराबर है। तो उसी तरह से मैं बालकों को भोजन करा रहा हूं, तो बालकम भोजनम कारयामि, तो करवाता हूँ मैं बालकों को भोजन, करवाता हूँ बालकों को, करवाता हूँ भोजन को करवाता हूँ, तो द्वे कर्म हो गए दो कर्म, तो बालकम भोजनम कारय। अब इसका कर्मणि करेंगे तो बालकेन पिता, बालक के द्वारा पिता को, पिता को पूछा जाता है, प्रश्न को पूछा जाता है, बालकेन पिता, पिता प्रश्न पृच्छते, बालकेन पिता प्रश्न, प्रश्नम नहीं प्रश्न पृच्छते, ठीक है। ये वाक्य इसका कर्तरी वाक्य रचना है बालकः पितरं प्रश्नं पृच्छति, पितरं प्रश्नं पृच्छति अर्थात पिता को प्रश्न पूछता है। अब ये इधर देखिए पृच्छ है, पूछता है किसको, पूछता है पिता को, क्या पूछता है प्रश्न, दो कर्म हो गए, किसको क्या। तो आप हमेशा याद रखिए कि ये जहां जहां ऐसी ऐसा बात रहेगी वहां वहां दो कर्म होंगे, बालक पिता को पूछ रहा है और बालक क्या पूछ रहा है, प्रश्न को पूछ रहा है, तो बालक पितरम प्रश्नम पृच्छति, इस तरह से उसको बना सकते हैं। आगे आप वाक्य बनाकर दीजिए तो बहुत आसान रहेगा समझने के लिए, हम थोड़ा थोड़ा उसका पीछे वाला भी अध्ययन करते जाएंगे तो आपको हमको एकदम स्पष्ट हो जाए कि किस तरह से वाक्य को बनाना है, किस तरह से वाक्य को देखना है, और आप स्वयं फिर उसको बना सकते हैं बहुत सारे वाक्यों को। जी आप बना कर देते जाइए तो 15-20 मिनट में हम उसका किस किस तरह से बनेगा वो मैं बताता जाऊंगा आपको। हाँ, दो कर्म वाले या एक कर्म वाले किसी भी प्रकार का, आपको जो कर्तरी में वर्तमान काल में या भूतकाल में, वो भूतकाल भी हमने सीख लिया है, वर्तमान काल भी सीख लिया है, गतवान पठितवान श्रुतवान उक्तवान ये सभी हमने भूतकाल के वाक्य सीखे हैं, करोमी करोति कुरुतः कुर्वन्ति, ये सब वर्तमान काल के भी वाक्य हमने सीख लिए। कोई वाक्य बना कर दीजिए तो आसान रहेगा सीखना, ताकि हम आसानी से उसको वाक्य को बना सकते हैं। भविष्य काल में तीनों वचन में रूप कर्मणि वाक्य के लिए, ठीक है, उसमें गमिष्यते गौस्यते गौस्यते गौस्यन्ते ये रूप होगा, जैसे करिष्यते करिष्यते करिष्यन्ते, तो कर्मणि वाक्य रचना में करिष्यते, तो मया कार्यम करिष्यते, मया कार्ये करिष्यते, मया कार्याणि करिष्यन्ते, करिष्यते 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 करिष्यन्ते, पठिष्यते पठिष्यते पठिष्यन्ते। मैंने पहले बताया था कि श्य जहां पर आया वहां पर भविष्य काल की वाक्य, ये भविष्य काल का रूप है, वहां उपयोग होगा ऐसा आप जान सकते हैं आसानी से। तो मैंने पहले बताया था भविष्यति गमिष्यति वदिष्यति पठिष्यति, ये सभी श्य वाले वाक्य आए हैं, वो भविष्य काल के लिए उपयोगी होते हैं, भविष्य काल में उसका उपयोग होता है। उसी तरह से कर्मणि वाक्य रचना में गमिष्यते गमिष्यते पठ्य पठिष्यते करिष्यते वदिष्यते, इस तरह के वाक्य का, इस तरह के रूपों का प्रयोग भी होता है।
रामः ग्रामं अहम पुस्तकं पठितुं गच्छामि। रामः ग्रामं गतवान। गतवान में न अच्छा कर दीजिए, मतलब ठीक न आधा कर दीजिए तो ठीक है। रामः पुस्तकं पठितुं गतवान। अहम बालकं पाठः पाठयामि, नहीं अहम बालकं पाठं पाठयामि। यहाँ देखिए कर्तरी वाक्य रचना है तो दो कर्म है तो दोनों को द्वितीया विभक्ति आएगी। अहम बालकं पाठं पाठयामि, जब आप उसका कर्मणि वाक्य करेंगे तो दोनों को प्रथमा हो जाएगी। अहम मया, अहम की जगह मया बालकः पाठः पाठ्यते। इस तरह से आप बनाते जाइए तो रूपेण अपराधी शतम दंड्यते। अपराधी शतम साथ में लिखिए, अपराधी शतम दंड्यते। अपराधी शतम थोड़ा लिखते अपराधी दंड्यते, शतम नहीं, क्योंकि शतम का अर्थ होता है 100, तो अपराधी शतम ऐसे समझने में कठिन होता है तो अपराधी दंड्यते। जी आवाज आपकी स्पष्ट आ रही होगी मेरी। जी हाँ ठीक है। हाँ तो ये आप इस तरह से बनाइए, जहां जहां कर्म है आप देखिए, अहम पुत्रम पाठम पाठयामी, अहम चित्रम पश्यामी, अहम सुंदरम चित्रम पश्यामी। अब यहाँ पर देखिए सुंदरम चित्रम कहा तब दो वस्तु नहीं कही, विशेषण और विशेष्य कहा। ये आप एकदम क्लियर करिए, विशेषण और विशेष्य किसको कहते हैं, वो बहुत समझने जैसा है, वो आपको वाक्य में भी काम आएगा। जैसे आप किसी को डिफाइन करते हैं, किसी को अलग करते हैं, बराबर, कोई एक शब्द से, कोई एक विशेष शब्द से, तो उसको कहते हैं विशेषण, क्योंकि विशेष शब्द देकर आपने अलग किया। चित्र बहुत सारे हैं लेकिन मैंने कहा सुंदरम चित्रम पश्यामि, मतलब मैं सुंदर चित्र को देखता हूँ, तो सुंदरम होगा वो विशेषण होगा, आप समझ गए ना। जैसे कि मैं बताता हूँ 100 व्यक्ति बैठे हैं और इसमें मैं बोलू कि एक चश्मा वाले भाई इधर आ जाओ, चश्मा वाले ये मैंने कहा वो एक चार आदमी आ जाएंगे, 96 ऐसे बैठे रहेंगे लेकिन 4 व्यक्ति आ जाएंगे, मैंने क्या कहा ऐसा, चश्मा वाले, तो वो विशेषण हो गया। उसने क्या कहा, वो एक शब्द ने ये 4 को 96 से अलग कर दिया, अलग कर दिया ना। मैं कहता कि केवल आदमी आ जाओ तो सब आ जाते, लेकिन मैंने कहा चश्मा वाले व्यक्ति आ जाओ, केवल व्यक्ति आ जाओ तो सब आ जाते, चश्मा वाले आ जाओ, तो उसको विशेषण कहते हैं। और चश्मा वाले जो है वो विशेष्य हो जाता है, मानो 4 व्यक्ति है तो विशेष्य हो गए, और चश्मा वाला ये शब्द जो होगा वो विशेषण हो गया। तो मैं कहूंगा जैसे रक्तम वस्त्रम आनयतु, लाल कपड़ा लाओ, क्या हुआ लाल कपड़ा, रक्तम वस्त्रम, तो रक्तम हो गया विशेषण। वस्त्र तो बहुत सारे हैं लेकिन किस तरह का ले आओ, लाल ले आओ, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं और मैंने कहा कि लाल वस्त्र ले आओ, तो लाल शब्द एक स्पेसिफिक एक कपड़े को बताता है, एक पर्टिकुलर कपड़े को बताता है, तो रक्तम वस्त्रम आनयतु, बराबर है, रक्तम वस्त्रम आनयतु, लाल कपड़े को लाओ। कपड़े बहुत सारे हैं उसमें मैंने कहा कि आप लाल कपड़ा लाना, तो लाल मैंने कहा वो विशेषण कहा, बराबर। मैं कहा कि बड़ी किताब लाना, इतनी बड़ी, तो वो विशेषण हो गया, किताब तो बहुत सारी है, पुस्तकें बहुत सारी है, लेकिन उसमें मैंने कहा कि बड़ी किताब लाना, तो बड़ा जो मैंने बताया वो विशेषण हो गया। छोटी किताब, बड़ी किताब, सुंदर साड़ी, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, हरा कपड़ा, इस तरह से बहुत सारे विशेषण हम कर सकते, कह सकते हैं, बराबर है। अहम बालकम पाठम पाठयावने, पाठयामी, देखिए यहाँ पर अहम है, कर्ता क्या है, यहाँ पर आपको क्या देखना है, कर्ता को देखना है, कर्म को नहीं देखना है, कर्तरी वाक्य रचना है, इसी को जब कर्मणि में करेंगे तब बात दूसरी है, तभी भी आपको एक वचन लगाना है, क्योंकि वचन बदला नहीं है, कर्म दो हुए हैं, वचन एक ही है, एक वचन ही है, तो इसको एक वचन में ही रखेंगे, तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि इस तरह से गुरुणा शिष्य धर्म शिष्यते, गुरुणा, गुरु शिष्य को धर्म को सिखाता है, शिक्ष्यते,
गुरुणा शिष्य धर्म शिक्षयते, शिक्षयते होगा यानी सिखाता है, गुरु के द्वारा शिष्य को धर्म सिखाया जाता है। अहम बालकम पाठम पाठयामी जी, ये बराबर है, बालकम पाठम पाठयामी, बालकों को पाठ पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप एक समझ गए होंगे विशेषण किसको कहते हैं, विशेष्य किसको कहते हैं, या आप बहुत सारे वाक्यों में देख सकते हैं। आपको आसानी है संस्कृत में कि ऐसे ऐसा ऐसा, जैसे लाल कलर का वस्त्र जिसने पहना है ऐसा, पीले कलर का वस्त्र पहना है तो पीताम्बरम हरिम, तो हरिम हुआ, उसी तरह से पीताम्बरम। तो आप जान सकते हैं कि विशेषण और विशेष्य की विभक्ति एक ही होती है, तो पीताम्बर हो गया विशेषण, पीले वस्त्र वाला हरि हो गया विशेष्य, समझ गए, तो पीले वस्त्र वाला हरि। उसी तरह से ऐसे बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग हम कर सकते हैं आसानी से, और बहुत ही समझने में आसान भी है कि पीले वस्त्र वाले हरि को बुलाओ, उसको उसको, तो इस तरह से आप बहुत सारे प्रयोगों को कर सकते हैं, बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं जी। और लोग वाक्य को बनाकर भेजे जी, अभी आप बना बना कर भेज दीजिए। विशेषण और विशेष्य का भी याद रखिए, सुंदरम पुस्तकम। फिर मम गृह पाठ बहु अस्ति, मम गृह कार्यम, देखिए घर पे करने वाले पाठ को या किसी को भी गृह कार्य कहते हैं, तो मम गृह कार्यम, कार्यम नपुंसकलिंग शब्द है, बहु अस्ति, मम गृह पाठ बहु अस्ति, बराबर है, पाठ बराबर लिखा है अपने, पुल्लिंग है, तो अहम राम च दूरदर्शनम द्रष्टुहु, अधूरा वाक्य है यहाँ पर, अहम राम च दूरदर्शनम द्रष्टुम गच्छामः, गच्छावः, या तो अहम रामम च दूरदर्शनम द्रष्टुम गच्छावः, मतलब जाते हैं, अर्थागतवंतो, ऐसा भूतकाल में भी कह सकते हैं, वर्तमान में कहना है तो गच्छावः जी। अहम मधुरम गीतम शृणोमि जी, अहम मधुरम गीतम शृणोमि, देखिए यहाँ पर उपयोग हुआ विशेषण का, रामस्य पुत्रः मधुरम संगीतम शृणोति, बराबर, यहाँ मधुरम संगीतम, मधुरम गीतम, सुंदरम पुस्तकम पश्यामि, स्वादिष्टम भोजनम करोमि, बराबर, पुनः परिवेशयतु, हाँ फिर से परिवेशन करो, तो ये एक है। विशेषण का जितना प्रयोग करेंगे तब आपको गलत फहमी न हो, गलती न हो, ये दो वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु में एक विशेष्य है विशेषण, नहीं तो ऐसे भ्रांति होती कि सुंदर पुस्तक को लाओ, मतलब सुंदर को भी लाओ पुस्तक को भी लाओ, ऐसा नहीं कहना है, सुंदर और पुस्तक दोनों अलग अलग नहीं है, विशेषण विशेष्य है, समझ गए ना, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमने कहा ना कि बालक को पुस्तक को पढ़ाओ, ग्रंथ को पढ़ाओ, तो बालम पुस्तकम पाठयतु, उसी तरह से सुंदरम पुस्तकम पश्यतु, वहां पर दो कर्म नहीं है, एक ही कर्म है, एक उसका विशेषण है, सुंदरम पुस्तकम पश्यतु, सुंदर पुस्तक को देखो, तो उसमें कर्म एक ही है, सुंदरम पुस्तकम, पुस्तक का विशेषण है सुंदरम, समझ गए ना, तो ये विशेषण को ज्यादा समझना पड़ेगा। पुनः पुनः चरवणम कृत्वा खादतु, हाँ वाह, पुनः पुनः चरवणम कृत्वा खादतु, अहम सुंदरम पुस्तकम पठामि, ठीक है, तो उस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाए, ताकि बहुत आसान रहेगा वाक्य बनाना, उसको फिर से उपयोग करना, कि किस तरह से कर्तरी वाक्य रचना है, किस तरह से कर्मणि की वाक्य रचना है, उसको हम कैसे बना सकते हैं, तो आप इस तरह के वाक्य ज्यादा से ज्यादा बनाए। और खास करके एक ही बात याद रखें, फिर से विशेष्य और विशेषण को आप प्रयोग करेंगे तो आप आसानी से समझ भी पाएंगे कि यहाँ पर दो कर्म है या एक विशेषण और एक विशेष्य है, समझ गए ना, वो आसानी से पहचाना जा सकता है इसको। अहम मधुराणी फलानी खादितुम इच्छामि, ठीक है, मधुराणी लिखिए, न नहीं, न आएगा वो एक नियम है संस्कृत का, मधुराणी, तो खादसी फलानी मधुराणी, ये गीत है, मधुराणी, र आएगा, श आएगा, उसके बाद न का न हो जाएगा, मधुराणी, अहम मधुराणी फलानी खादी तुम इच्छा में, मधुराणी,
अहम इतः इतः गच्छामि, ऐसा होगा, यहां से जाता हूं, ऐसा। सीदति मतलब उसका दुखी होना, ऐसा अर्थ होता है। अवसीदति, सीदति, ये वाक्य प्रयोग हुआ है। ये देवी सीता स्वर्णम मृगम पश्यति, हाँ, स्वर्णमयम, ये वाक्य ठीक रहेगा। स्वर्ण को मृग को ऐसा नहीं है, और सुवर्ण के मृग को, तो इस तरह के प्रयोग होगा। सुवर्ण के है ना, चल सुंदर के पुस्तक को ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ सुवर्ण के मृग को, तो यहाँ मयट प्रत्यय आएगा। स्वर्णमयम मृगम पश्यति, क्योंकि सुवर्ण से बना हुआ, तो होगा स्वर्णमयम। इसके लिए राम ने क्या कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो यहाँ पर स्वर्णमयी लंका, तो वो एक से भी जब कुछ बनता है तो उसको हम मयी से कहते हैं, समझ गए ना? तो ऐसे स्वर्णमयी लंका, स्वर्णमयम मृगम। आगे को बनाते जाइए, 10 मिनट है हमारे पास। तो वो रामः कदा पुस्तकं पठितुं गच्छति, ठीक है ये वाक्य, रामः कदा पुस्तकं पठितुं गच्छति, राम कब पुस्तक पढ़ने को, इसका कर्मणि वाक्य में कर सकते हैं। रामेण कदा पुस्तकं पठितुं है, तो पुस्तकः पठितुं गम्यते, पुस्तकं का पुस्तकं रहेगा, क्योंकि एक वचन भी पुस्तकं ही होता है, तो प्रथमा भी एक पुस्तकम ही रहता है। तो रामेण कदा पुस्तकम पठितुं गम्यते, जी रा मम सुंदरी शाटिका भवामि, नहीं, मम सुंदरी शाटिका अस्ति, मेरे पास, मम अर्थात मेरी सुंदरी मतलब सुंदर शाटिका है, भवामि नहीं, वो तो मैं हो रही हूं ऐसा नहीं कह रहे आप, मम है ना, अहम नहीं है, तो मम सुंदरी शाटिका अस्ति है, अथवा मम पार्श्वे लिखेंगे तो ज्यादा, अहम सुंदरी शाटिका अस्ति, नहीं, मम सुंदरी शाटिका अस्ति, मम सुंदरी शाटिका अस्ति, ठीक है ये वाक्य, कि मेरी सुंदर साड़ी है, ये कहते हैं कि मेरे पास है, तो इसको ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि मम पार्श्वे सुंदर शाटिका अस्ति, सुंदरी शाटिका अस्ति, जी मम मन निकटे भी कह सकते हैं, मम निकटे, मम पार्श्वे, जी आगे। रामः असुराणाम असुरम विनाशयति, असुरहा विनाशयति नहीं होगा, क्योंकि असुर कर्म हो जाएगा। राम किसको मार रहे हैं, तो के असुर को मार रहे हैं या असुरों को मार रहे हैं, तो असुरों को बहुवचन आएगा, असुरान नाशयति। इसके लिए गीता में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे श्लोक में इस तरह के प्रयोग है गीता में, अब याद नहीं है लेकिन बहुत सारे हैं, तो मैं याद करके आपको इसी तरह के वाक्य बताऊंगा कि 17वें अध्याय में है, तो असुरान नाशयामी, असुरान नाशयति, इस तरह के, जी। सह भोजनम आस्वादयति, रमा प्रतिदिनम देवालयम गच्छति, जी ठीक है, रमा प्रति, इसका कर्मणि वाक्य करेंगे तो रमाया प्रतिदिनम देवालयः गम्यते, अहम सुंदरी, हाँ फिर से आप लिख कर भेज सकते हैं। अह मया श्वेत वस्त्रम धारयते, अद्य मया श्वेत वस्त्रम धार्य, अद्य मया श्वेत वस्त्रम धार्यते, ये ठीक रहेगा। भोजनम कृत्वा निद्राम करोतु, धारयते भी होता है, धार्यते, धारयते ज्यादातर दूसरी जगह पे प्रयोग होता है, यहाँ पर धार्यते करिए तो अच्छा रहेगा, जी धार्यते, धारयते नहीं, उसमें रेप कर दीजिए, तो एक रेफ अर्थात उसको रकार, धार्यते,
भोजनम कृत्वा निद्रां करो तो ठीक है, धार्यते, बस ये ठीक है। रामः वने एकः मृगः पश्यति। देखिए रामः वने एकं मृगं पश्यति, किसको देख रहे हैं? एक मृग को देख रहे हैं, तो कर्म हो गया, तो द्वितीया विभक्ति आएगी। तो रामः वने एकं मृगं पश्यति, एक मृग को देख रहे जी। मया लेखः लेखनीयः, ये ठीक है। अहम सुंदरीम लताम पश्यामि, लताम पश्यामि, लताम आएगा वहां पर क्योंकि कर्म है। अहम सुंदरीम लताम पश्यामि जी। और आप बनाइए। और वाक्य बनाते जाइए आप, ताकि आपको पता चले कि कर्ता और कर्म क्रियापद कैसे उसका संयोजन होकर वाक्य बनते हैं। मया शुचि ही जलम पेयम, मया स्वच्छम जलम पेयम, स्वच्छम जलम, स्वच्छम। मम संस्कृतम पुस्तकम अस्ति, नहीं, मम निकटे संस्कृतस्य पुस्तकम, संस्कृतम पुस्तकम नहीं, संस्कृतस्य पुस्तक, संस्कृत का पुस्तक है। हाँ, संस्कृत ही पुस्तक है, पुस्तक की ऐसा नहीं है, संस्कृत की पुस्तक, संस्कृत अलग है, पुस्तक अलग है, तो संस्कृत की पुस्तक बराबर विज्ञान की पुस्तक, गणित की पुस्तक, उस तरह से। और कहते जाइए सब लोग। अस्त समयोजेन अंजलि भवति, अस्ता अस्त समयोजनेन, अस्त तो ये ठीक लिखा है आपने, केवल आपने द्विवचन करना है, अस्तो के, दो हस्त के, तो षष्ठी द्विवचन आएगा। अस्तस्य हस्तयोः समायोजनेन अंजलि भवति, बराबर है। हस्त दो हस्त के, तो हस्तयोः पादयोः दो पैर के, बराबर है, तो अस्तयोः दो हाथ के, पादयोः दो पाद के, ठीक है। अहम रोटिकाम खादितवान, वान में अच्छा, मया रोटिका खादिता, खादी का नहीं, खादिता, मया रोटिका खादिता, अथवा पक्षिता भी कह सकते हैं। एक सप्ताहे सप्तदिनं भवति, सप्ताहे सप्तदिनं, सप्तदिनानि भवन्ति, सप्तदिनं भवति नहीं, एक सप्ताहे सप्तदिनं अस्ति नहीं, सप्तदिनानि भवन्ति, दिनं दिन दिनानि सन्ति, दिन शब्द यहाँ बहुवचन में आएगा क्योंकि सप्त कहा, तो सप्तदिनानि, दिनानि आएगा ना, 7 दिन, तो बहुवचन हो गया, तो एक सप्ताहे सप्तदिनानि सन्ति, भवन्ति यहाँ पर ठीक रहेगा, सन्ति की जगह होते हैं। हाँ, अर्थ आई तू में, हाँ ये समझिए, मैं इसका मैंने एक बार बताया था किस लिए करते हो, तो मंदिरे देव देवी अस्ति, देव देव देवी च स्तः, ऐसा भी कह सकते, अस्ति नहीं, अस्ति तो एक होते हैं, तो द्विवचन में कहना है तो स्तः। राजा राज्यम करोति, भुनक्ति, वो भोग करता है, तो राजा राज्यम, राज्य लक्ष्मी व राज्यम व भुनक्ति, हाँ वो भोग लेता है, भोग करता है, उस अर्थ में भुनक्ति। गोपेन गेहि दुग्धम दुह्यते, गोपेन, गो हो यहाँ पर देखिए, गोप के द्वारा, गोपाल के द्वारा गाय को दोहा जाता है, तो गो हो दुह्यते, अब गाय का दूध दोया जाता है, तो गो हो दुग्धम,
अथवा गो दुग्धम साथ में लिख सकते हैं, तो गो दुग्धम दुह्यते, अहम मृदु भार्षयति, नहीं अहम मृदु वदामि अथवा भार्षयामि, एवं इस तरह से कह सकते हैं, अहम मृदु तया वदामि, अहम मृदु तया भाषणम करोमि। एक सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, ते चलचित्रम दृष्टवान दृष्टवन्तः, तेन चल नहीं ते, आपने देखिए सह लिखना चाहिए था यहाँ, सह चलचित्रम दृष्टवान, सह ते नहीं, ते बहुवचन हो गया, दृष्टवान एक वचन लिखा आपने, क्रिया एक वचन की कही, सह चलचित्रम दृष्टवान, कर्मणि वाक्य करे या करेंगे, तेन चलचित्रम दृष्टम, क्योंकि चलचित्रम नपुंसक लिंग है, तेन चलचित्रम दृष्टम। एक वर्षे द्वादश माह मासाः भवन्ति, मासाः द्वादशे नहीं, द्वादशाः द्वादश मासाः भवन्ति, द्वादश शब्द पाराः, इसको द्वादश कहते हैं। सुंदराणि बालकानि नहीं, ये सब बालक शब्द पुल्लिंग है, इसके लिए सुंदराः सुंदराः सुंद, उसको इस तरह से कहेंगे कि सुंदर बहुत सारे बालक, सुंदर बालक है वहां पर, सुंदर बहुत बालक है और वो सुंदर है, तो दो तरह से कह सकते हैं, सुंदराहा बालकाहा संति, बराबर है, सुंदराहा बालकाहा संति, बराबर इस तरह से कह सकते हैं, अथवा सभी बालक सुंदर है, सर्वे बालकाहा सुंदराहा संति भवंती, ऐसा होते हैं या है हुए, तो इस तरह से कहते, बालकाः मधुराणि फलानि खादन्ति, बालकैः मधुराणि फलानि खाद्यन्ते। ठीक है, भारतस्य राष्ट्रपति श्रीमान कोविदः कोविंदः अस्ति, ये ठीक है, राष्ट्रपति श्रीमान कोविंदः अस्ति। नृपः ईश्वरं भजते, नृपः ईश्वरं भजते, राष्ट्रपति शब्द ऐसे संस्कृत में नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्र का कोई पति नहीं होता है, इसके लिए संस्कृत में राष्ट्रपति का कंसेप्ट नहीं है, प्रधानमंत्री का है, तो इसके लिए है, राष्ट्र के ऊपर कोई नहीं है, संस्कृत भाषा के देखे तो इसके लिए ये शब्द संस्कृत में सिद्ध नहीं होते, जैसे राष्ट्र का पति, राष्ट्र के पिता, राष्ट्र की माता, ये सारे शब्द नहीं होते, क्योंकि राष्ट्र के साथ किसी का भी पुत्र का पुत्री का संबंध नहीं होता है, वो ऊपर है, नेक्स्ट टू गॉड है, तो इसके लिए वो शब्द ऐसे कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अभी के संस्कृत में वो व्यवहार में आ गए हैं, क्योंकि अभी ऐसे शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं, राष्ट्रपति वगैरह। हाँ, नवरात्र उत्सव नव दिनानि भवन्ति, नहीं, नवरात्रि उत्सवे, नवरात्रि उत्सवे नव दिनानि भवन्ति, ठीक है, ये वाक्य नवरात्रि उत्सवे मतलब उत्सव में सप्तमी आएगी, नवरात्रि उत्सव में नव दिनानि भवन्ति। ठीक है, तो अभी हम पूरा करते हैं, बालकः नदीं दृष्टवान, बालकेन नदी दृष्टि नहीं, दृष्टा दृष्टा द्रु करिए इस तरह से, दृष्टा बालकेन नदी दृष्टा। मंगलवासरे शरद पूर्णिमा पर्वः अस्ति, पर्वः करिए वहां पर। हाँ, भवान प्रातः कदा उत्तिष्ठति, भवान प्रातः कदा उत्तिष्ठति, प्रकृति बहु सुंदरम अस्ति, प्रकृति बहु सुंदरी ऐसा कहेंगे, इस तरह से, क्योंकि प्रकृति स्त्रीलिंग है, तो प्रकृति बहु सुंदरी अस्ति, इस तरह से कह सकते हैं। अहम कस्य वस्त्राणि धारित्वा गच्छति, सा कहेंगे, सा कस्य वस्त्राणि धारयित्वा, धारयित्वा कहेंगे, गच्छति, जी ठीक है, तो अभी ज्यादा से ज्यादा वाक्य के प्रयोग करिए, फिर हम गुरुवार के वर्ग में आएंगे, तब आगे के वर्ग का कैसे हम करेंगे उसका मैं बताऊंगा, कि आगे के वर्ग में इस तरह से वाक्य, राम सीता लक्ष्मण च वने गम्यते, नहीं,
गच्छन्ति, देखिए आपने कर्तरी वाक्य रचना में सभी कर्ता को प्रथमा में लाया है, तो कर्ता होगा गच्छन्ति होगा, ठीक है। तो अभी इतना ही, आगे आप वाक्य बनाकर देखते रहिए, अभ्यास करते रहिए, तो आसान रहेगा आपको समझना। सर्वासाम विद्या नाम प्रमाणम संति, समझ में नहीं आया वाक्य, तो अहम अत्र कार्यम कृतार्थम कर्तुम आगच्छामि, अहम अत्र कार्यम कर्तुम, कृत्वा नहीं, कर्तुम आगच्छामि। किसी का प्रश्न है तो पूछ लीजिए, तो हम पूर्ण करते जी। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी ने हैंड रेज किया है तो उसको पूछ लेते हैं जी। श्वः शरद पूर्णिमा अस्ति, ये ठीक है वाक्य। आप पूछ सकते हैं भैया, अनम्यूट करिए उनको तो पूछ सकते हैं। पूछिए, कोई बात नहीं, पूछिए। हेलो आचार्य जी, क्वेश्चंस लेंगे आचार्य जी। हाँ, एक लेना है तो ले, नहीं तो अगली बार लेंगे। हेलो आचार्य जी, अगली बार लेंगे। हेलो आचार्य जी, हेलो आचार्य जी, बोलिए। नमस्कार आचार्य जी, नमस्कार हाँ, आचार्य जी, नमस्ते, बोलिए। मैं यहाँ लखनऊ से बोल रहा हूँ, मैं आज ही मैंने ज्वाइन किया है आपका, तो मुझे एक्चुअल में अभी इसमें कुछ समझ में नहीं आया, तो एक तो क्लासेस काफी आगे निकल चुकी हैं, तो अब क्षमा है क्योंकि अब मैं बहुत देर में आया हूँ, तो मैं कैसे इसको कवर अप कर सकता हूँ, और कैसे, और इसमें हमको सिस्टम में भी नहीं समझ में आ रहा है, कैसे प्रश्न पूछे, क्या करें, ये कई समस्याएं। ठीक है, समझ गया सर। ओके ओके, मैं नंबर दे देता हूँ सर जी, आप तो उसमें रिकॉर्डिंग है, संपूर्ण स्वदेशी यूट्यूब चैनल में भी है, आचार्य जी का, आचार्य मेहुल जी बोल के उसमें भी है, पूरा रिकॉर्डिंग है, पुराना कवर कर दीजिए और उसमें सिंक्रोनाइज हो सकते हैं। आप राजेश्वर जी का नंबर लिख लीजिए और उनको पूछिए सब कुछ, तो वो बता देंगे। और चैनल पर है, जैसे संपूर्ण स्वदेशी करके चैनल है, उसमें पर भी है, आचार्य मेहुल भाई चैनल का नाम है, उसमें सारे क्रम से ही दिए हैं, संपूर्ण स्वदेशी में भी है, दोनों में से किसी भी चैनल पर आप जाइए तो पूरे वीडियोस आपको वहां पर मिलेंगे। तो एक से शुरुआत करें, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लगभग लगभग 30 वीडियो है, 28 30, तो 30 वीडियो आप पहले धीरे धीरे सुन लीजिए, उसके बाद कोई प्रश्न हो आपको तो आप यहाँ पर कमेंट करके, बाद में संस्कृत के वर्ग होते हैं उसके बाद प्रश्नोत्तरी होती है, संस्कृत के भी वर्ग होते हैं और विषय के भी वर्ग होते हैं, आयुर्वेद के और संस्कृत के और अलग अलग विषयों के वर्ग होते हैं, तो जो वर्ग का विषय है वो विषय के प्रश्न वो वर्ग में आप पूछ सकते हैं। संस्कृत का प्रश्न है तो सोमवार को और गुरुवार को संस्कृत का वर्ग होता है, मंगलवार को आयुर्वेद का वर्ग होता है, मंगल और शनि को, बुधवार को गुरुकुल का वर्ग होता है और शुक्रवार को अलग अलग विषयों का वर्ग होता है, तो ये पूरे के पूरे दिनों में अलग अलग क्लासेस इसी समय यही लिंक पर और यही पासवर्ड जो है वो एक ही तरह का होता है, आपको मैसेज न मिले तो रोज 9 बजे आप इसको खोल सकते हैं, रविवार को छोड़कर सारे दिन, तो उसमें आप जूम से ज्वाइंट हो सकते हैं। प्रश्न जिस विषय का हो उस विषय का क्लास जब उस जिस दिन होता है उस दिन आप उस विषय के प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो ये एक आप सिस्टम जान लीजिए, हैंड रेज करना है, मेरा पूरा होने के बाद फिर आप पूछ सकते हैं प्रश्न, सेशन पूरा होने के बाद, तो ये नियम है साधारणता से। और थोड़ा पहले ज्वाइन करने हैं, 2 3 4 मिनट 5 मिनट पहले, तो वो आसान रहेगा आपको कि आप ज्वाइन हो जाएंगे तो पहले से जैसे शुरू हुआ तो आपको वर्ग आसानी से, और
समझ में नहीं आया तो कोई तकलीफ नहीं, पहले से आप समझ लेंगे तो बहुत आसान भाषा में सभी समझाया है, पीपीटी भी है वहां पर तो उसको भी आप देख सकते हैं, और ग्रुप में जुड़ जाइए राजेश्वर जी के, तो पीपीटी भी वो आपको शेयर कर देंगे। जी प्रणाम आचार्य जी। जब हम कहते हैं अहम देवाय नमामि, सही है ना ये वाक्य? नहीं, यहाँ पर नमामि आया है तो हाँ? वहां पर देवम नमामि होता है। हेलो, अच्छा। नमः केवल कहेंगे तो देवाय नमः, शिवाय नमः, इस तरह से कहेंगे, केवल नमः कहेंगे तो, लेकिन नमामि कहेंगे तो देवम नमामि, वहां पर तो कर्म ही होगा क्योंकि आपने जो कर्ता को भी केवल नमः नहीं कहा है, मतलब क्रियापद को भी लिया है, वो क्रियापद हो जाता है, नमामि क्रियापद हो गया, समझ गए ना आप? हाँ। हेलो, तो नमः जब हम अहम देवाय नमः बोलते हैं तो इसमें क्रियापद नहीं है? नहीं, अहम देवाय नमः वाक्य नहीं होता है, केवल देवाय नमः, अग्नये नमः, इंद्राय नमः, इतना ही होता है, उसमें कर्ता कोई नहीं होता है, समझ गए ना आप? अच्छा। हेलो, हाँ, तो वहां नमः तो का केवल, अर्थ क्या होता है फिर? नमः का अर्थ ऐसा होता है कि नमः जो होता है वो उत्कृष्ट को, मतलब अपकर्षानुकूल व्यापार, इसको कहते हैं कि एक नमस्कार अर्थ में होता है कि मेरे तरफ से आपको नमस्कार, मतलब उस अर्थ में नमः होता है, लेकिन नमः ही केवल है तो उसमें कोई कर्ता नहीं होता है, अहम नमः ऐसा नहीं होता है, अहम होगा तो नमामि होगा, और केवल नहीं तो हम जब यज्ञ वगैरह करते हैं तब इसको बोलना होता है, इदम इंद्राय, इदम नमम, अग्नये नमः, देवाय नमः, रामाय नमः, इस तरह से होता है, तो उसका अर्थ यही होता है, लेकिन उसके अंदर कर्ता नहीं होता है, कर्ता का कहीं उल्लेख नहीं होता है। जी धन्यवाद। नमस्कार गुरुजी। जी, नमस्ते। हाँ, भूतकाल के जो वाक्य है कर्तरी, उसमें क्रियापद पुल्लिंग होगा तो भवन की तरह, स्त्रीलिंग होगा तो भौतिक की तरह, और नपुंसकलिंग होगा तो जगत की तरह चलेगा, यही है। पुल्लिंग होगा तो भवान की तरह, भवान भवंतो भवंतः, अथवा भगवान की तरह, भगवान भगवंतो भगवंतः, समझ गए आप? हेलो, हाँ। आप याद रखिए ये बराबर है। अब दूसरी बात, स्त्रीलिंग में होगा तो वती होगा, यहाँ पर तो आपने कौन सा बताया? भवती, भवत्यो भवत्यः, ठीक है, उसी तरह से, और उसी तरह से जगत जगति जगंती, बराबर, गच्छत गच्छति, मतलब इस तरह से आप यदि लेंगे तो नपुंसकलिंग में उस तरह से चलेगा। जी, ठीक है, मतलब इस तरह से आप कहते हैं भूतकाल के प्रयोगों में उस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जी, गतवत, इस तरह से। रेणु जी। नमो नमो आचार्य जी। मेरा सवाल नहीं, एक रिक्वेस्ट है, कल शरद पूर्णिमा है तो खीर बनाना है, आप अगर हमको मतलब मॉर्निंग में क्या क्या सामग्री रेडी रखना है बताएंगे तो बहुत आसान होगा शाम को करने में, रिक्वेस्ट है। ठीक है जी, ठीक है, ऐसे तो ये सेशन का प्रश्न नहीं, तो भी कल तो शरद पूर्णिमा है, बात सही है, आपको केवल दो तीन वस्तुएं तैयार रखनी है, एक तो खड़ी शक्कर, अच्छी से अच्छी वाली जो शक्कर आती है, वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की बनती है, कहीं पीली आती है, कहीं सफेद आती है, कहीं कोई पानी जैसे कलर की आती है, तो किसी भी प्रकार की खड़ी शक्कर हो वो आपको रखनी है, दूध रखना है, खड़ी शक्कर का पाउडर कर देंगे तो मिक्स होने में आसानी रहेगी, इसके लिए उसका पाउडर भी कर सकते है, मतलब पूरी भी लग सकते हैं, पाउडर करेंगे तो घोलने में आसानी रहेगी, इसके लिए ज्यादा लाभ होगा। खीर के लिए पोहा तैयार रखना है अच्छे वाला, और दूध तो शाम का लेना है, ताजा दूध, और उसको एक बार उबाल देना है, उबाल कर ठंडा करके उसके बाद में उपयोग लाना है, इसके लिए शाम तक आपको शाम का दूध, सुबह से पोहा और खड़ी शक्कर, इतना आपको तैयार रखना है, और पात्र वगैरह तो घर पे होते ही है, बस उतना ही, फिर विशेष प्रयोग है
तो आप विशेष की तैयारी कर सकते हैं। खीर के लिए तो इतना ही कि केवल पोहा, पोहा में मतलब एक दूध और खड़ी शक्कर, बस उतना ही। और धन्यवाद गुरुजी, मात्रा कितना लेना है अपने हिसाब से रखे या उसका भी? मात्रा जैसे दूध है वो 4 गुना रखे पोहे से, जैसे पोहे 100 ग्राम लिए तो दूध 400 ग्राम लीजिए, पोहे 200 ग्राम ले तो 4 गुना दूध चाहिए, तो या 5 गुना, इतना 4 से 5 गुना दूध पोहे से ज्यादा चाहिए, समझ गए ना आप? बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, जी जी बहुत धन्यवाद। आचार्य जी कितने बजे खाना है, बहुत लोग पूछ रहे थे, 12 बजे से कितने बजे? चार बजे रात तक भर रख रखिए। देना है, हाँ कल रात की जो चंद्रमा कल रात का है वो लगभग लगभग 11 से 12 बजे तक में पूर्ण होता है, अर्थात उसका प्रकाशक पूर्णता होती है, तो उसमें लगभग लगभग आप 10 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास रख देंगे तो उसको 4 बजे से लेकर 5 बजे तक वापस उसको ले सकते हैं, तो वहां तक उसको चांदनी में रखना है उसको, और ऊपर कपड़ा जैसा ढक सकते हैं जिससे किरण आसपास चले जाए उसकी, तो उस तरह से रख कर आप सुबह को उसका खा सकते हैं, जो स्नान वगैरह करके उसके बाद उसका सेवन कर सकते हैं, पूरी रात्रि का चांदनी आएगी तो वो ज्यादा फायदा रहेगा। दूसरा पक्ष ऐसा है कि रात को 1 2 घंटे रख कर भी रात को आप थोड़ा उसको ले सकते हैं। रात को जगना कल बहुत अच्छा होता है, इसके लिए कल रात को जगने पर एक तो पूरे चांदनी में रख दिया और एक रात को भी आप सेवन कर सकते हैं 11 बजे के आसपास, मतलब 10 11 बजे आपने रख दी 1 आध घंटा तक, और उसके बाद उसका सेवन भी आप कर सकते हैं, लेकिन रात को मतलब रखा हुआ और सुबह तक उसको चांदनी हुई मतलब बड़ी बड़ी हो, ऐसे ज्यादा उसकी गुणवत्ता, ज्यादा गुण उसके होते हैं, तो आप रात को भी खा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गुण है पूर्ण चांदनी में से जो हुआ है उसका आप सेवन करें तो ज्यादा लाभ होगा। और आचार्य जी ये जो पित्त का समस्या है वही लोग खा सकते हैं या बाकी लोग भी खा सकते हैं इसको? नहीं, ये कल का जो प्रयोग है वो सबके लिए, पित्त की समस्याओं के लिए विशेष लाभ करेगा, लेकिन सबको खाना है क्योंकि शरदि पित्तम कुपियति इस न्याय से, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होना स्वाभाविक होता है, उसके शमन के लिए सबको खाना है। पोहे की भी खीर बना सकते हैं, चावल की भी बना सकते हैं, दोनों की बना सकते हैं, ज्यादा लाभ पोहे की खीर करेगा, तो वो पोहे की खीर ज्यादा लाभ करेगी, लेकिन चावल की भी कर सकते हैं उसमें कोई तकलीफ नहीं है, तो पोहे की ज्यादा वो होती है, उत्कृष्ट होती है। जी हाँ माधुर जी, जी सर, हेलो। हेलो। हाँ जी सर, मैं एक ये वाक्य बना रही थी कि मेरे चाचा ने बचपन में मुझे लाल सलवार कुर्ता गिफ्ट दिया था, तो सर क्या ये लाल? लाल सलवार कुर्ता गिफ्ट में दिया था, तो उसको कैसे बनाना, चाचा का वर्ड क्या रहेगा बचपन के लिए? तो आप चाचा ने आपको क्या दिया था? ड्रेस सलवार कुर्ता ड्रेस दिया था, मतलब वस्त्र दिया था कोई, बराबर है? बस। तो चाचा को कहेंगे पितृव्यः, चाचा के लिए शब्द क्या है? पितृव्यः, तो पितृव्यः बाल्यकाले, बचपन का शब्द है बाल्यकाले, बचपन में, तो पितृव्यः बाल्यकाले, अब किसको दिया था? मुझे दिया था, तो लेने वाला हूं मैं हूं, तो चतुर्थी लगेगी, तो पितृव्यः बाल्यकाले मह्यम, मतलब मुझको दिया था, मह्यम क्या दिया था? तो ड्रेस दिया था या वस्त्र दिया था, तो वस्त्रम, सुंदरम वस्त्रम, सुंदर वस्त्र दिया था, सुंदरम वस्त्रम दिया था, तो दत्तवान मतलब दिया, बचपन में मुझे चाचा ने सुंदर वस्त्र दिया, तो पितृव्यः बाल्यकाले मह्यम सुंदरम वस्त्रम दत्तवान, बराबर है? इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। एक 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 को क्या कहेंगे वो आसानी है, संबंधवाचक पहले हम जान लेंगे कि चाचा को क्या कहेंगे, मासा को क्या कहेंगे, इस तरह से, तो पितृव्यः बाल्यकाले, बाल्यकाले युवा अवस्थायाम वृद्धावस्थायाम, इस तरह से शब्द है, बाल्यकाले मह्यम मुझको दिया था, तो लेने वाला मैं हो गया, तो
संप्रदान आएगा, चतुर्थी आएगी मह्यम सुंदरम वस्त्रम दत्तवान जी। ठीक है, अभी पूर्ण रखे कोई प्रश्न जी, अंतिम ले लेते हैं दीपेन। हाँ हाँ जी गुरु जी, मेरा सरत पूनम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, जो हम मिट्टी का बर्तन अगर ले तो वो लाल ले या काला ले, जो जो ऊपर रखने के लिए जो मिट्टी का बर्तन, वो तो कोई भी ले सकते हैं। आपको गर्म जब करना होता है किसी के ऊपर, तो जो साधारण मिट्टी लाल होती है वो फूट जाती है, इसलिए काली उपयोग करते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो आग को ज्यादा सहन कर सकती है। लेकिन इसमें कोई रोल नहीं है काली मिट्टी का, कोई भी मिट्टी ले सकते हैं उसको। तो हाँ, उसके लिए कोई भी, गर्म करना है तब ये प्रश्न आता है, गर्म नहीं करना है तो कोई प्रश्न जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो कल हम लोग 9 बजे से, कल हम लोग 9 बजे से 10 बजे तक आयुर्वेद का और ऐसा कंटिन्यू करेंगे, वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, और 10 से 11 बजे तक जो है हम लोग प्रयोग का और बीजों का। हाँ, दीपक भाई को मैं बोल दूंगा कल सब। ठीक है, आचार्य जी धन्यवाद। गुरु जी कैसा कैसा तैयारी करना है जी तुम्हारो इवेंट के लिए? 10 बजे से स्टार्ट होगा, वैसे 9 बजे से स्टार्ट होगा, वैसे कंटिन्यू होगा। नो, कुछ सामग्री वगैरह चाहिए, मीन्स कुछ पार्टिसिपेंट पूछ रहा है जी, मैं कुछ सामग्री वगैरह चाहिए टुमारो प्रोसेस के लिए। वो कल का सेशन भी सुनना है, कल का सेशन सुनने से उनको डाउट क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी और क्योंकि ग्रुप नहीं पढ़ते हैं कि सेशन भी नहीं सुनते, सेम क्वेश्चन पूछने से कठिन है आचार्य जी का। अभी आचार्य जी है, आचार्य जी आचार्य जी नहीं है, अभी हम लोग 70 लोग हैं, तो कल जो है सारे ग्रुप मेंबर जुड़ना है, और जो जो नहीं जुड़ेंगे उनको ग्रुप से निकाला जाएगा, क्योंकि ये सेशन भी नहीं जुड़ने से, ये प्रयोग में भी नहीं जुड़ने से, और ग्रुप में रह के फायदा क्या है आप बोलिए। इसलिए तो ये कल जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मौका दीजिए, ये बहुत बढ़िया प्रयोग है आपका। नेबर्स को, फ्रेंड्स को, सबको बोलिए, सबको जोड़ने के लिए बोलिए, इसमें पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं लगते है, पोहा है, दूध है, कड़ी शक्कर है, इतना ही, तो आसान तरीका है स्वस्थ बनने का। तो प्लीज आप जुड़िए, मिलके जो है मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, अब सब अच्छे लोग ही रुके हैं, 67 लोग, तो कल का सेशन हम लोग मैक्सिमम सक्सेस करेंगे, मैक्सिमम लोगों को ये सेशन, ये प्रयोग का जो है ज्ञान, बीजों का भी मैक्सिमम किसानों को पहुंचाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो कल का अटेंडेंस जो है हम लोग कितना यूनाइटेड है वो इंडिकेट करेगी, तो प्लीज आप जो है मैक्सिमम लोगों को जोड़िए, और बहुत बहुत धन्यवाद। शिव प्रसाद जी अभी क्लोज।